ये डेफिनेटली मौसम का जादू है, और ये मौसम जो है वो शाम के वक्त कुछ ना कुछ खाने का बहुत ज़्यादा जी करता है। तो हमारे बीच में आज नॉर्थ बंगाल में लॉन्च हुआ है मंच एंड क्रंच, और मंच एंड क्रंच जो है वो बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ आता है, और आपके इस शाम के जो भूख की जो भूख जो है शाम की जो भूख है उसको दूर करने के लिए लेके आया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स। दैट इज़ मसाला मटर इज़ देयर, मसाला मूढ़ी इज़ देयर, मसाला चीरा इज़ देयर, उसके बाद मसाला पीनट्स, और इनके नए एक मतलब हमारे नए जितने भी यंग जनरेशन है उनको उनके टेस्ट बाट के हिसाब से पेरी पेरी मसाला, पेरी पेरी के फ्लेवर्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले इन्होंने। और ये पूरा पूरी नॉर्थ बंगाल का अपना एक मार्केट है, इन्होंने नॉर्थ बंगाल का ये एक बेबी है जो प्रोडक्ट जो इन्होंने यहाँ पे अपनी मेहनत से इसको लेके आए हैं। तो हमें इसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट फॉर दी लोकल बिजनेसेस, लोकल एंटरप्रेन्योर्स। और हम लोग आज यहाँ कॉस्मोस में हैं इसके लॉन्चिंग के लिए, एंड हमारी ओर से इनको बहुत सारे बेस्ट विशेस, और चलिए इनसे बात कर लेते हैं इनके इस मसाला मंच क्रंच के जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके आने का इनका मोटिव, और ये कहाँ कहाँ पे इनको लेके जाने वाले हैं, और इनकी आगे क्या क्या है, और हम यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं इनको भी इनकी भी रिव्यूज जान लेते हैं कि इनको कैसा लगा, ऑन स्पॉट रिव्यू जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आपका नाम विक्रम गुप्ता। आप खा रहे हैं सॉल्टेड मसाला चीरा मंच एंड क्रंच का, कैसा लगा आपको? बहुत ही मजेदार है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप ये पहली बार खा रहे हैं? हाँ जी, पहली बार खा रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगा? जरूर। और आप हमारे व्यूअर्स जो आने मतलब जो कस्टमर्स देख रहे हैं उनको कैसा रिकमेंड करेंगे कि ये खाना चाहिए? जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, फ्लेवर भी अच्छा है इसका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पे हैं कॉस्मोस में, आज हुआ है मंच एंड क्रंच का लॉन्चिंग, और हमारे बीच में है साहिल और समीर जी। तो चलिए उनसे जानकारी लेते हैं और बातें करते हैं कि ये इस मंच एंड क्रंच को हमारे नॉर्थ बंगाल के मार्केट में लाने का इनका क्या मोटिव है, और इन्होंने क्या सोच के इसको इधर लेके आया। हाय, कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो फुल मस्ती चल रही है, तो आपको कैसा लग रहा है आज लॉन्चिंग हुआ? वैसे तो ये मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, एंड आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक? बहुत अच्छा रिस्पांस है, पीपल आर लाइकिंग द प्रोडक्ट, एंड देयर इज ऑल डिमांड ऑल अराउंड द नॉर्थ बंगाल एरिया। सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं, रिटेल शॉप्स में भी माल अवेलेबल हो रहा है, और एवरीबडी इज
ट्राइंग टू ईट, गिविंग देयर फीडबैक्स. वी आर ऑल्सो अपग्रेडिंग आर सेल्फ विद वॉट एवर द फीडबैक वी आर गेटिंग फॉर द मार्केट एंड वी होप वी गेट मोर पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द मार्केट. सो मंच एंड क्रंच बेसिकली यहाँ पे एक जैसे शाम के वक्त में कुछ खाने का अगर मन किया तो मतलब लेके आ जाते हैं थोड़ा सा. एंड इतने अफोर्डेबल प्राइजेस जो आपने रखे, तो ये सारा चीज जो आप लोगों को पूरा कितने साल लगे इस चीज को वर्कआउट करने में एज अ टीम और मार्केट पकड़ने में? इट टुक अस मोर देन 1 ईयर टू कम अप विद द ब्रांड नेम, विद द प्रोडक्ट्स टू बी लॉन्च एट द इनिशियल स्टेजेस, द प्रोडक्ट डिजाइनिंग, द पैकेट डिजाइनिंग. इफ यू सी द पैकेट डिजाइन इज वेरी मच वेरी न्यू एंड इनोवेटिव पैकेट डिजाइन वी हैव ट्राई टू मेक कम्पेयर टू वॉट अदर कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स आर डूइंग. बिकॉज वी हैव ट्राई टू क्रिएट सम कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रोडक्ट इटसेल्फ. हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं किया है, हमने प्रोडक्ट का प्रोसेस को डिस्प्ले करने का कोशिश किया है. सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिजाइन. सो इट विल टेक टाइम, बट जो इनोवेशन हमने ट्राई किया है वो इनोवेशन का कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें जल्दी मिलेगा. सो ये जो है मंच एंड क्रंच, ये टोटली नॉर्थ बंगाल का ही पार्ट है. आपका प्रोसेसिंग जो भी है यहाँ पे, सारा चीज ये बनना वगैरह सब इधर ही होता है? या इट इज लोकली मैन्युफैक्चर्ड. द फैक्ट्री सेटअप इज इन फुलबाड़ी एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन एवरी एरिया ऑफ सिलीगुड़ी, ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल. सो ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स आर ट्राइंग टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू ऑल द एरियाज इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स. सो ऑल द किराना शॉप्स, all the pawn shops and all the departmental stores are getting the material as and when it is getting supplied to them. जी हाँ, और मैं एक और आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि अभी तक इतने सारे जो आपने फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं, इसके पीछे आपका क्या मोटिव था कि क्या आपने इतने सारे मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स है, मैंने भी देखे, तो कितने इतने सारे फ्लेवर्स को मार्केट में लाने का आपका सोच की चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या हुआ आपके उसके पीछे में आपके क्या थॉट्स थे? देखिए, जो प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में लाए हैं, चीड़ा मूढ़ी, ये बहुत रेगुलर आइटम्स हैं जो मार्केट में बहुत सारे कम्पिटिटिव ब्रांड्स के पास अवेलेबल है. बट जो फ्लेवर्स जो है वो हमारा USP है, बिकॉज फ्लेवर्स इस आइटम्स में कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं लिया अभी तक. तो पेरी पेरी एक जो फ्लेवर जो हमने लाया है, ये हमने देखा है कि जो अभी यंग क्राउड जो रेस्टोरेंट्स में और बाकी सारे मॉल्स एक्टिविटी में सब में रहते हैं, उनको ये फ्लेवर अभी बहुत ज़्यादा नया और एडेप्टिव फ्लेवर है जो हर कोई डिमांड करता रहता है. तो इसलिए हमने ये फ्लेवर में लॉन्च किया है और इसका टेस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा आया है, विच कस्टमर्स ऑल्सो टेलिंग अबाउट इट दैट दिस फ्लेवर इज वेरी यूनिक एंड पीपल आर लाइकिंग इट. थैंक यू एंड आई विल ऑल्सो टॉक टू यू लिटिल बिट. वैसे तो ज़्यादा कुछ तो इन्होंने बता ही दिया है. आप मुझे बताइए कि आप लोग अभी और आगे कितने सारे एरियाज को कवर अप करना चाहते हैं? अभी बेसिकली वी वांट टू कवर द होल नॉर्थ बंगाल, आपका बिहार के एरिया भी कवर अप का प्लानिंग है. वी आर सर्चिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी हर जगह पे, तो अभी स्लोली वी आर गोइंग अहेड. वी हैव अपॉइंटेड, अभी आपका कुछ बिहार साइड पूरा कवर अप हो गया है, आपका ये अलीपुर द्वारा साइड भी कवर अप हो गया, जयगांव तक, बिहार में आपका किशनगंज भी जा रहा है. तो अभी धीरे धीरे एक्सपैंडिंग. सो यू आर एक्सपैंडिंग एंड लाइक सोच ये है कि आप लोग इसको पैन इंडिया तक बेसिस में लेके जाएं. पैन इंडिया का मोटिव है. कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस फॉर दैट. एंड हमारे जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स है, व्यूअर्स है आपके, तो उनको आने वाले इस दिवाली के लिए और फेस्टिव सीजन के लिए आपके तरफ से, मंच एंड क्रंच की तरफ से विशेस? हम मंच एंड फैमिली से हर एक अपने ग्राहकों को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच ट्राई करिए और अच्छे से रहिए, सेहत रहिए. एक और सवाल आपसे कि अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर आपके आने वाले कोई भी नए कस्टमर्स को आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है, तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? वो हमारे सेल्स हेड है मिस्टर सुमित, उनसे आप वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. उनका कॉन्टैक्ट नंबर 1230-91216, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, 9129121216. एंड आपका ऑफिस किस तरफ हो पड़ सकता है? फुलबारी में. फुलबारी लाइक थोड़ा इन जलपाईगुड़ी रोड, एरिया का नाम इज अमाई दीगी. अभी आपके सिप्ला के कंपाउंड, सिप्ला का कंपाउंड है, आपके DTDC का वेयर हाउस. थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू.
तो ये था हमारे समीर जी एंड साहिल जी मांचन क्रंच की ओर से, और इन्होंने हमें बताया कि इनके इतने सारे फ्लेवर्स ये आज के नए जेनरेशन यंग जेनरेशन को सोच में रखते हुए, और इवन हमारे जैसे शाम के वक्त में यहाँ बंगाल में चाहे कहीं पे भी शाम के वक्त में कुछ खाने का जो इच्छा पैदा होता है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बहुत सारे फ्लेवर्स लेके आए हैं। और मैं आपसे बोलूंगी कि आप भी ट्राई कीजिए मांचन क्रंच, नॉर्थ बंगाल के मार्केट में आ चुका है। तो इसी के साथ मैं आपकी होस्ट दीपिका, एडियोस एवरीवन।